क्या आप जानते हैं क्रोनो के जय इन सब के रियल नाम क्यों नहीं लिए गए हैं? अलोक का ही क्यों रियल नाम अलोक लिया गया है? जानना चाहते तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। इस वीडियो में आप जानेंगे कि टॉप 5 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इमोट कौन से हैं, टॉप 5 कैरेक्टर जो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे ज़्यादा यूजेस है, और क्या फ्री फायर किसी कंट्री में बैन है या किसी स्टेट में बैन है? जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले गाइज आप मेरा आधा वीडियो देखिए, अगर आपको नहीं पसंद आता है तो कमेंट में गाली, वीडियो को डिसलाइक और चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में ओपी भाई जरूर लिखें, लिखना ना भूले। आपके लिए इतनी अच्छा अच्छा जानकारी लाता हूँ भाई, ऐसे ही नहीं लाता हूँ मैं, बहुत मेहनत करता हूँ उसके बाद ये जानकारियाँ सब मिलती है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड तक देखिए, शुक्रिया। तो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स बॉय सिद्धू गेमिंग, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो कैसे आप लोग, आपके सब बढ़िया हो गए, फिट हो गए? तो बिना किसी देर के चलते हैं हमारी वीडियो की। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे टॉप 5 इमोट की जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है गेम में। तो गाइस सबसे ज़्यादा 5वें नंबर पर यूज़ होने वाली इमोट है क्लैप इमोट। हाँ, इसे तालियाँ फाड़ने वाली इमोट बोलते हैं, इसको क्लैप इमोट भी बोलते हैं, वही 5वें नंबर पर सबसे ज़्यादा चलती है गेम में। तो कैसा लगा आपको बताइए कमेंट में। तो गाइस क्लैप इमोट के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ये हेलो वाली इमोट है, तो कैसे लगा आपको ये इमोट ज़रूर बताइएगा। तो गाइस यहाँ पे तीसरे नंबर पे है सेल्फी वाली इमोट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है लोगों के द्वारा, जो इसके पीछे हीरोइक वाला जो है ना भाई, काफ़ी मज़ेदार वाला दिखता है भाई। तो गाइस दूसरे नंबर पे है ये फ्लिप वाली इमोट है गाइस, फ्लिप वाली इमोट। तो देखिए इस ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली सेकंड नंबर पे आती है भाई, और बिना किसी देर के चलते हैं फर्स्ट नंबर की ओर। और गाइस पहले नंबर पे है, आप सही सोच रहे हैं, लोल वाली इमोट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली है। कोई भी बंदा किल करने के बाद ये इमोट लगाए बिना नहीं रह सकता, और सबके पास ये इमोट रहती है। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके मुंह पे सिर्फ ये लोल लाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं। तो गाइस थोड़ा सा आपका सही सपोर्ट दिखाए मुझे। तो गाइस अभी हम देखने वाले टॉप 5 बेस्ट कैरेक्टर और फेमस कैरेक्टर देखेंगे, अभी आ जाओ बिना किसी देर के वीडियो की ओर। तो गाइस 5वें नंबर पर है वुकोंग। वुकोंग कैरेक्टर वैसी एबिलिटी है उसकी कि भाई जैसे ही उस पर खतरा आता है, मतलब खतरा आता है हम पे, तो उसका एक क्लिक पे वो झाड़ी बन जाता है, जिस पे डिफ़ॉल्ट एम काम नहीं करता, जो कि हमारे 5वें नंबर पे। तो चलते चौथे नंबर की ओर। तो चौथे नंबर पर है भाई अलोक काका। अलोक काका क्या चीज़ है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है हमें, वो आप खुद ही खुद जानते होंगे, क्योंकि भाई ट्रेंडिंग पे चलता था अलोक उसके ज़माने में, पर अभी भाई चौथे नंबर पे है। तो गाइस सोच लीजिए करेक्टर की स्किल कहाँ तक पहुँच गई है लोगों की। तो गाइस ये आप जानते ही होंगे। तो चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। तीसरे पे है कि के कैरेक्टर है भाई तीसरे पे। तो के कैरेक्टर का भाई एबिलिटी तो बहुत अच्छी है कि जो ईपी को एचपी में कन्वर्ट कर देता है, फिर आपकी ईपी भी खाली होती है तो एपी को भी पूरते रहता है, पर जो इसका फेस है उस पर कोई बंडल शूट नहीं करता था, तो इसलिए लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता था। जो अलोक था उस पर सभी बंडल शूट करते Some थे, people तो are prisoners of their own इसलिए mind. के सबको पसंद नहीं आता था ज़्यादातर। तो चलते हैं दूसरे नंबर के कैरेक्टर की ओर। तो गाइस दूसरे नंबर पे है क्रोनो। क्रोनो की भाई एबिलिटी आप जानती होगी, नहीं जानते तो बता देते हो, उसके अड़ोस पड़ोस में एक कवच जैसा बन Don't जाता है, trust miracles. जिसके में गोली Trust आपको me. नहीं मार सकते एनिमी पर, आप एनिमी को गोली मार Don't सकते, trust जो कि miracles. एकदम ही Trust me. बेहतरीन वाली वो स्किल है। और वो क्रोनो कवच लगाने के बाद आप 30% स्पीड आपकी बढ़ जाती है, तो आप जानती होगी। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर की ओर। तो फर्स्ट नंबर पे है भाई स्काइलर। स्काइलर की भाई ऐसी एबिलिटी है कि वो आप ग्लूओल जैसे ही डालता है वैसे ही आपकी एचपी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, जो कि टॉप 1 पे चल रहा है, इसकी एचपी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, ऐसी इसकी एबिलिटी है। तो गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सिर्फ एक लाइक कर दीजिएगा। क्या फ्री फायर किसी कंट्री में या किसी स्टेट में बैन है? तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, फ्री फायर सभी जगह पे अवेलेबल है। कोई कोई गेम बैन होती है किसी कंट्री में, क्योंकि उसके वजह से बच्चे या कोई लोग सुसाइड कर लेते हैं, उसके लिए उस गेम को बैन कर दिया जाता है, पर
पर फ्री फायर से ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है, तो फ्री फायर बिल्कुल सेफ है और बाकी उसको भी लिमिट में खेलो तो ही अच्छा है, कोई चीज़ हद से ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो मेरी बात तो आपको पसंद आई हो तो आप भी लिमिटेड ही खेलो, खेलो मना नहीं कराए, बाकी लिमिट में खेलो। क्यों रोनाल्डो, कश्मीर, ऋतिक रोशन इन सब का नाम नहीं लिया, क्यों अलोक का ही नाम अलोक रखा गया है गेम में? तो गाइस इसके पीछे एक फैक्ट है, जो भी कैरेक्टर रियल लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं घरे ना, उन कैरेक्टर को अपने गेम में एंटर करते हैं तो उनके पास से परमिशन लेनी पड़ती है, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। अलोक का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो अलोक ने परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जबकि रोनाल्डो, कश्मीर और ऋतिक रोशन सर ने उसको कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट साइन नहीं किया है। अलोक तोड़ वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहे तब भी नहीं तोड़ सकता, और जबकि रोनाल्डो, कश्मीर या जय कैरेक्टर ऋतिक रोशन सर जी तोड़ना चाहे कॉन्ट्रैक्ट तो तोड़ सकते हैं, इसलिए उनका नाम रियल नाम पे नहीं रखा गया है, क्योंकि लोगों की जुबान पे पुराना नाम ही चढ़ जाता है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय।